बचपन में मिल्खा सिंह की तरह एक धावक बनकर देश का नाम रोशन करने का सपना देखने वाले विनोद कुमार चौधरी आर्थिक तंगी की वजह से एक अच्छा धावक तो नहीं बन पाए हैं, लेकिन टाइपिंग में 3 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने में कामयाब रहे। दिल्ली के नांगोलई के रहने वाले 36 साल के विनोद कुमार चौधरी ने 3री बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। एक हाथ में सबसे तेजी से A to Z तक वर्णमाला लिखने के लिए विनोद का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। हम उस इलाके में हैं जहां से राजनीति का गढ़ शुरू होता है, वह है दिल्ली के किराड़ी विधानसभा। महज विनोद चौधरी जो कारनामा इस किराड़ी विधानसभा में किया है शायद ही कोई कर पाए। 8 बार गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने के बाद और किराड़ी का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराने के बाद फिर भी बड़े बड़े हस्तियों से अभी तक कोई भी सम्मानित करने नहीं आए। ऐसा क्या कारण रहा जो यह एक पड़ाव पीछे ही रह गए? हम उनसे बात करेंगे विनोद जी से कि पूरा मामला क्या है और ये क्या करने के योग्य और आगे चल के हैं। पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो मुझे सौभाग्य मिला मैं आपसे बात करने के लिए। मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग मेरे घर पे आए और मेरा इंटरव्यू अब जो है करा रहे हैं। किराड़ी विधानसभा के ही क्षेत्र से हैं, जुड़े हुए क्षेत्र से हैं, तो मैं चैनल को जो है धन्यवाद करना चाहूँगा दर्शकों को। तो आपको क्या लगता है विनोद जी, ये प्रैक्टिस और ये कल्पना और ये संकल्प जो है कब से आपने अपने दिल में जो है खाना और किया? देखिए, मैं बचपन से ही एक मतलब एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कैंडिडेट रहा हूँ और अपने देश के चलने के लिए कुछ कर पाऊँ इसके लिए जो है मैं प्रयासरत रहा हूँ। मेरा बचपना भी कोई बहुत ही संघर्ष में बीता है और बहुत ही मुश्किलों में बीता है, उसके बावजूद भी मैं अपने स्कूल क्षेत्र में भी 100-200 मीटर रन में जो है फर्स्ट प्लेस में रहा और देश के लिए कुछ अच्छा मेडल ला के मिल्खा सिंह जैसा जो है मैं कारनामा करना चाहता था पूरे इंडिया के अंदर। और बहुत अच्छी तरह से मेरी प्रैक्टिस वगैरह चल रही थी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जो कारण जो भारत के हर व्यक्ति विशेष के लिए रहती है, जो प्रतिभा के लिए रहती है, वो मेरे साथ भी रहा और मैं अपना वो सपना पूरा नहीं कर सका। इससे पहले भी विनोद 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। आंखों में पट्टी बांधकर सबसे तेज A to Z तक वर्णमाला लिखने की वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था और सबसे तेज नाक में टाइप करने के लिए भी रिकॉर्ड उनके नाम ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। लेकिन मेरे अंदर जो कहते हैं ना, जो एक दिया होता है, जून होती है, जो आग होता है वो बोलता है सर से, आपकी जो मेहनत है कभी ख़राब नहीं जाती नहीं। तो वो मैंने जो है वहाँ जो चीज़ें मेरे को नहीं मिल पाई, फिर मैंने यहाँ टाइपिंग में जो है ये चीज़ें हासिल की। और मुझे लगता है कि एथलेटिक्स में तो खैर मैं इतना बड़ा नाम नहीं कमा सकता था, ना ही आज तक किसी ने एथलेटिक्स में इतना बड़ा नाम कमाया है, और टाइपिंग मैंने कमा लिया और दुनिया का जो है सबसे बड़ा अवार्ड जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो लोगों का सपना होता है तो वो मैंने हासिल किया। अच्छा, कितनी बार नाम अगर हम बात करें तो गिनीज बुक ऑफ इंडिया में आपका नाम आया है? मेरे 8 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हैं हो चुके हैं और विश्व के अंदर मेरा मानना है कि मैं प्रथम व्यक्ति हूँ जिसके नाम 8 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइपिंग के क्षेत्र में है, ये यानी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। विनोद कुमार कहते हैं कि वह दुनिया के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने टाइपिंग में 3 रिकॉर्ड अलग अलग क्षेत्रों में बनाए हैं। 8 बार गिनीज बुक ऑफ इंडिया में नाम दर्ज कर देश का नाम रोशन करने वाले को देश में ही भुला दिया गया है। अभी तक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ना विधायक और ना ही कोई निगम पार्षद ने आकर इस युवक का हौसला बढ़ाने का काम किया है, पर ऐसे ही एक हीरे तक पहुँचा 3N News। जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा, ना तो MP, ना MLA, ना विधायक, ना सांसद, ना माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, यानी फाइल तो लगी थी सम्मान के लिए, महज उनको तो राजनीति का छुट्टी कहाँ जो इनको सम्मान दे, क्योंकि गिनीज बुक ऑफ इंडिया क्या होता है ये शायद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठे दिल्ली के सरताज और किराड़ी विधानसभा के ऋतुराज महोदय को भी नहीं पता है।
ना ही उर्मिला चौधरी को पता है, जो निगम पार्षद है, कि वर्ल्ड में एक नाम कमाना, गिनीज बुक में नाम आना किराड़ी विधानसभा का कितना बड़ा संकल्प इस विनोद जी ने चुना और इनका संकल्प व्यर्थ नहीं गया। हालांकि उन्होंने अपना पड़ाव और कदम हमेशा आगे की ओर रखा, महज राजनीति अभी तक कोई भी हौसला को बुलंद करने के लिए इस परिवार के घर इनसे मिलने कभी नहीं आए। 8 बार ग्रीज वर्ल्ड ऑफ इंडिया में नाम रोशन करने का सबसे बड़ा फैसला जो लिया है विनोद जी ने, वह एक बहुत बड़ा सराहनीय काम है। और हमारा चैनल इस खबर को पूर्ण रूप से पुष्टि करती है कि यह खबर जो है, अभी जो विनोद जी ने बताया कि 8 बार ग्रीज वर्ल्ड ऑफ इंडिया में नाम आने के बाद कोई भी सम्मानित नहीं किए। हालांकि आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि जिस तरीके से पंजाब केसरी, नवोदय टाइम, हिंदुस्तान टाइम, दैनिक जागरण और कई ऐसे अखबार की कटिंग भी इनके पास रखे हुए हैं, और मीडिया में आने के बावजूद भी ऐसी राजनीति में क्या उथल पुथल पड़ गई जो सम्मान के योग्य भी नहीं बन पाए विनोद चौधरी जी। वहीं विनोद कुमार चौधरी की प्रतिभा को सराहने और मदद करने के लिए पहुंचे समाज सेवी जितेंद्र सिंगला ने उन्हें सम्मानित कर धनराशि प्रदान की। बुक ऑफ इंडिया में नाम दर्ज करवाने के बाद किराड़ी विधानसभा के जाने माने समाज सेवी, अगर हम बात कहें समाज सेवी की तौर पे, तो जितेंद्र सिंगला जी विनोद चौधरी जी के घर पे आकर के उनको सम्मानित किए और 5100 रुपये का जो है ना उन्होंने चेक प्रदान किया। यही सराहनीय, छोटे छोटे अगर ऐसे कार्यकर्ता आते रहें और समाज सेवी, तो ऐसे लोगों की हौसला काफ़ी बुलंद होगा। जानेंगे कुछ कि क्या कहना है और क्या जो है वो अपने मन में क्या खुशी जो है पैदा कर रहे हैं इस वक्त। क्या लगता है आपको, अभी जिस तरह से समाज सेवी आपको उन्होंने सम्मान दिया, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं जितेंद्र जी का जो है हृदय जो है धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी प्रतिभा को जो है सराहा और मेरे घर पे आके जो है मुझे सम्मानित किया। मैं किसी भी पार्टी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इन्होंने समाज में उभरते हुए चीज़ों को देखा और मेरी कला को पहचाना और इन्होंने मेरे को जो है ये रिवॉर्ड दिया, उसके लिए जो है मैं तहे दिल और मेरे परिवार की तरफ से मैं इन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, क्षेत्रीय विधायक ऋतुराज झा, क्षेत्रीय निगम पार्षद उर्मिला चौधरी, यानी काफी कोसों दूर है, यानी मान और सम्मान से महज वही एक छोटा सा व्यक्ति जो समाज का एक हिस्सा है, वो इस वक्त हमारे साथ बताएंगे कि उनको चेक और सम्मान देकर कितनी खुशी मिली और यह कार्य उनको कैसे जो है करने को औधा मिला है। जितेंद्र जी, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। किराड़ी में नाम आपको काफी मैंने सुना है, क्या लगता है? सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से सभी साथियों को जय हिंद। जो आपने नाम सुना है, उसका नाम सुनने के कारण है कि पवित्र मन से काम करना। अगर हम अपने पवित्र मन से काम करते हैं, समाज को उसका बेनिफिट मिलता है। समाज मेरा है, ये मुल्क मेरा है, ये देश मेरा है। अगर यही दायित्व अपना जनप्रतिनिधि निभा ले, तो मैं नहीं समझता कि ऐसी प्रतिभाएँ पीछे रह जाएंगी। ये तो प्रतिभा वो है जो मीडिया के माध्यम से मुझे पता चली, ये प्रतिभा भी मेरे से छुपी हुई थी। अगर मैं सोशल सेक्टर में काम नहीं कर रहा होता, तो ऐसे लोग पीछे रह जाते। मैं आपके माध्यम से एक एक युवा साथी को बोलना चाहूँगा, दिल्लीवासी हमारे जो नागरिक हैं उनको बोलना चाहूँगा, जीवन आज है कल नहीं होगा। तो कहने मतलब यही है कि जो करो अपने देश के लिए करो, मुल्क के लिए करो। आज जो विनोद जी ने किया है, हो सकता है कल कोई आने वाली पीढ़ी कर दे, मगर वर्तमान में तो भारी कमी है ना भारत का नाम रोशन करने की। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री बाहर जाकर तो दूसरे स्टेटों में अपना कहते हैं दिल्ली में ये हो रहा है, दिल्ली में वो हो रहा है, मगर हो कुछ नहीं रहा। धरातल की चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। क्षेत्रीय जो हमारे विधायक हैं, वो तो सिर्फ उन लोगों से घिरे हुए हैं जिन्होंने उनकी मदद इलेक्शन में की थी। अच्छा। आज वर्तमान में जो कहते हैं जिन लोगों ने उनकी मदद की थी, संगठन के कार्यकर्ता, रीढ़ की हड्डी जो होते हैं, वो उनसे अलग हो चुके हैं। उन्होंने एक एक करके उनका अपमान किया, चाहे उनमें मैं हूँ चाहे और साथी हूँ, मगर हो क्या रहा है। धरातल की चीज़ों को जनप्रतिनिधि को समझने की जरूरत है, चाहे यहाँ से आपकी काउंसलर उर्मिला चौधरी हों, आपके चाहे सांसद अंतराज हंस हों, चाहे आपके ऋतुराज हों, उस समाज सेवी में किराड़ी विधानसभा कोई ऐसा है नहीं। उभरता हुआ नाम अगर आपको कोई दिखता है, तो मैं अपनी कभी तारीफ नहीं करता, तो मैं हूँ।
मगर मैं लोगों के साथ जुड़कर जो एक्टिविटी कर रहा हूँ उसका सीधा सा कारण है कि जनप्रतिनिधियों को उनकी ड्यूटी याद दिला रहा हूँ, जो अपनी ड्यूटी वो भूल चुके हैं कि ये समाज का हिस्सा वो हैं। उनको अगर सैलरी मिलती है तो उसका आधार ये है कि लोगों ने उनको चुना है। दिल्ली सरकार का जो कार्यकाल है वो सही से नहीं निभा पा रहे। तो मेरे कहने का मतलब है, जब आप अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा लेते हैं, भाई साहब निभा लेते हैं, मैं निभा लेता हूँ और सब साथी निभा रहे हैं, इसका कारण यह है कि भाई हमारा कल का बेहतर कल हो। विनोद जी अगर आज ये ना करते तो शायद मैं यहाँ ना मौजूद होता, कोई और करता। तो ऋतुराज गोविंद जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं उनको देखने की जरूरत है कि ऐसी प्रतिभा को हम क्यों ना सम्मानित करें। मैं अपने चैनल के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, क्षेत्रीय विधायक ऋतुराज झा, क्षेत्रीय निगम पार्षद उर्मिला चौधरी, क्षेत्रीय सांसद हंसराज हंस, सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी प्रतिभा को जिंदगी में कतई न भूले। इसलिए क्योंकि अगर आप इनको हौसला देंगे तो ये और आगे बढ़ेंगे। ये भारत के लिए तो कर रहे हैं, ये भारत के लिए ही कर रहे हैं। और 8 बार गिनीज बुक ऑफ इंडिया में नाम आना कोई मामूली बात नहीं होती है किराड़ी विधानसभा के लिए। जय हिंद, जय भारत।